किसान मित्रों नमस्कार। किसान मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल किसान समृद्धि जीवन में हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सागवन की खेती के विषय में बताना चाहता हूं। विगत आज के 14 साल पहले ये प्लांटेशन हमने स्वयं अपने खेत में हम रोपाई किए थे और ये मेरा खेत का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया प्लांटेशन है सागवन का। अभी देख रहे हैं जैसा कि कम से कम 2 फीट 2.5 फीट कहीं कहीं 3-3 फीट तक की जो है पौधा जो है पूरा मोटाई ले लिया। और 14 साल पहले हमने जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है ये सागवन का प्लांटेशन हमने जो है लगाया था और आज इस पौधे को देख के हमको बहुत खुशी हो रही है। और आप जैसा कि देखिए कितने बड़ा बड़ा पौधा, कितना मोटा पौधा हो गया। सभी पौधों का आप देखिए, और ये पौधा ज़्यादा तो नहीं लगे हैं, समथिंग जो है 200 पौधे लगे हैं। 200 पौधे की हमने रोपाई करवाया था। इसमें कुछ पौधे डैमेज हो चुके हैं और समथिंग ये पौधा जो है हमारा जो है 150 पौधे बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनकी जो है मोटाई आ गई है। अभी ये पौधा हमारा जो है कटिंग योग हो गया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पूरा। आप नीचे से आप देखिए, 2008 में इस पौधे की हमने रोपाई किया था। अभी आप ये 2023 चल रहा है, आप देखें समथिंग ये पौधा की जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी समथिंग 30 फीट, मतलब 30 फीट बहुत ही बढ़िया पौधा है। 30 फीट एक्सीलेंट पौधा है और ये पौधा जो है देखने में बहुत आकर्षक लग रहा है। ये हमने जो है एक कंपनी के माध्यम से पौधा लगाया था, उस समय हमने 130 रुपये के इस पौधे को हमने ख़रीदा था, प्रति प्लांट 130 रुपये खर्चा आया था। और ये पौधा कंपनी ने बहुत अच्छा हमको सर्विस दिया, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, समय समय पर उन्होंने गाइड किया बताया, और ये पौधा जिस हिसाब से उन्होंने बताया था उस हिसाब से पौधा जो है तैयार भी हो गया है। तो पौधा बहुत अच्छा भी बेचने के पोजीशन में आ गया है, आने वाले 2-4 साल बाद इसको हम जो है बेच सकते हैं। अभी भी चाहे तो हम इसको बेच सकते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली में कोई हमको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि और अच्छा ये पौधा मोटा हो जाए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है किसान मित्रों की एक अचल संपत्ति है, इसको कभी भी काट के बेच सकते हैं। इसका कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं है कि इसको आप 10 साल में काटिए कि 12 साल की, जैसे ये पौधा समथिंग 14 साल का हो गया, तो अभी इसको हम 20 साल में अगर हम बेचते हैं तो और ये पौधा जो अभी ये समथिंग आपका देख रहे हैं कि इतना पूरा पौधा मेरे छाती से करीब ये 2.5 से 3 फीट की अभी मोटाई हो गया, मतलब ये 4 फीट 5 फीट भी हो सकता है पूरा आने वाले 20 साल में। तो इसको कभी भी हम काट के बेच सकते हैं। तो हमारे जो किसान मित्र हैं उनको ये आपको ये मैं वीडियो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि किसान मित्रों, अगर आपके पास कुछ ऐसी ज़मीन हो, पड़ती पड़ी ज़मीन हो, बंजर ज़मीन हो, वहाँ इस पौधे को आप लगा के इसकी आप जो है खेती आप कर सकते हैं। बंजर पड़ी ज़मीन में भी पौधा हो जाता है। सागवन जो है मुरमिली, पथरीली, दोमट, लाल, काली हर मिट्टी में हो जाता है। और ख़ास करके जो हमारे किसान मित्रों की जो ज़मीन की जो मेड़ें पड़ी रहती हैं, जहाँ आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, एक आपकी मेड़ है, तो फ्यूचर प्लान के हिसाब से इस पौधे को आप लगा सकते हैं। यह हमारे हमारा जो घर है, घर के पीछे पौधा एक बाड़ी है, छोटी सी बाड़ी है, जिसमें हम किनारे जो है साग सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं अपने घर में यूज करने के लिए। और उस जगह पर हमने थोड़ी सी जो जगह थी, करीब हमारी जो है 25 डिसमिल ज़मीन है, 25 से 30 डिसमिल होगी, उसमें जो पौधे की हमने रोपाई किया है। तो इस पौधे से आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा किसान मित्रों, कि सागवन जो है वर्ल्ड की बहुत ही कीमती, वर्ल्ड में बहुत फेमस लकड़ी है। इसको लकड़ियों का राजा भी बोलते हैं, पेड़ों का राजा भी इसको आप बोल सकते हैं, जिसका हमारे भारत में इसका राष्ट्रीयकरण है, मतलब इसको काटना यानी बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन भारत सरकार ने लोक वानिकी अधिनियम धारा 240-41 के तहत जो किसान अपने भूमि में ये पौधा लगाते हैं, अपने स्वयं की भूमि में, उसको गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेके और ये पौधे को काट के बेच सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा जो है दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और अपने डायरेक्ट अपने जो है डिपो के माध्यम से, जो अपनी नज़दीकी डिपो होती है, वहाँ हम गवर्नमेंट के माध्यम से जिसको सेल कर सकते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा रेट इसमें जो है किसान को जो है प्रदान करती है, उसमें भी टोटल यह पौधा हमारा जो है नंबर एक में बिकता है और अच्छा हमको इस लकड़ी का रेट मिलता है। तो किसान मित्रों, अगर आप सागवन की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब ये 12 से 14 साल, अभी ये 14 साल का पौधा है, इसकी जो लंबाई जाती है वो 30 से 40 फीट, जैसा कि आप देख रहे हैं।
आप इसको पूरा देखिए, आप जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है, ये आप लंबाई देखिए और ये पूरा आप देखिए, मतलब ये समथिंग जो है 40 फीट का पौधा है, 40 फीट का पौधा है। तो इसकी जो लंबाई जाती है वो कम से कम 35 फीट 40 फीट, और इसके मोटाई अगर ये आपका ये 14-15 साल का पौधा हो गया तो मिनिमम एक पौधा से जो है 10 घन फीट लकड़ी देगा। अभी वर्तमान में अगर एक पौधे को अगर इसमें मापा जाए तो कम से कम इसमें आपको मिनिमम जो है 10 घन फीट लकड़ी मिलेगी, 10 फीट लकड़ी मिलेगी, और अपने को 2000 रुपये घन फीट भी लकड़ी का रेट मिलता है तो आपका जो है 20,000 का एक पौधा होगा। यानी अगर हम 1,000 पौधे इसके लगा दिए तो कम से कम अपने के 2 करोड़ का उत्पादन देगा। तो किसान मित्रों, एक फ्यूचर प्लान के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से जो है, जो हम पैसे जो है दूसरे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में और भी अन्य जगह पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको अगर हमारी जो पड़ती भूमि, अगर पड़ती भूमि में हम प्लांटेशन के रूप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पौधे लगा देंगे, तो पौधे में सबसे पहला चीज़ तो बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे पर्यावरण में सुधार होगा, इससे हमको करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हमारे आर्थिक स्थिति को ये जो है मजबूत बनाएगा। एक पौधा हमारा 20,000 का भी होता है, और अगर हम 1,000 पौधे केवल अपने खेत की मेड़ में चारों तरफ लगा देते हैं, जो चारों तरफ मेड़ से आप जो है करोड़ों नहीं कई करोड़ का आप उत्पादन ले सकते हैं। तो आप किसान मित्रों, आपसे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसा कि मैंने प्लांटेशन किया है और मेरा पौधों में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा मैं पौधों को प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तो आप भी आप अपने खेत की मेड़ में, जो आपकी पड़ती भूमि हो, खेत की मेड़ में आप जो है सागवन की खेती ज़रूर करिए। सागवन लगा सकते हैं, और भी सागवन से अगर आपको अच्छी खेती करनी है तो महोगनी की खेती कर सकते हैं। महोगनी भी जो है टिम्बर प्लांट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली खेती है। सागवन में एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें 15-20 साल तक कुछ नहीं मिलता है, केवल इसका लकड़ी ही उपयोगी है। लेकिन आप अगर महोगनी खेती करते हैं तो महोगनी खेती में इसके जो फल हैं वो फल के बीज से कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, तो उसका फलों का भी आपको एडिशनल एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आप कोई भी चीज़ आप अपनी खेत के मेड़ में आप चाहें तो सागौन की खेती कर सकते हैं, अगर आपको सागौन नहीं करना है तो आप महोगनी भी आप लगा सकते हैं। तो किसान मित्रों जो है, आप जो है आप अपनी मेड़ में ज़रूर से ज़रूर आप जो है प्लांटेशन की आप खेती करिए, इससे कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फसल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो किसान मित्रों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल जो है किसान समृद्धि जीवन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अन्य किसानों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमारे देश में जो है अन्य किसान भी जो है ये महोगनी की खेती के साथ साथ जो है सागौन की खेती भी करके और बहुत बढ़िया अपने खेत से आप बेनिफिट जो है किसान भाई ले सकते हैं। ओके किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।